हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम लोग फिर से खेलने वाले हैं दी फ्रंट। सो गाइस, आज के एपिसोड में हम लोग बहुत ही एक इम्पोर्टेंट स्टेप लेने जाने वाले हैं। हम लोग गाइस ये जगह अभी छोड़ने वाले हैं। यस गाइस, ये जगह हम लोग छोड़ने वाले हैं और मैं कोई एक दूसरी जगह पे गाइस एक मेरा फाइनल वाला जो बेस होगा वो मैं बनाऊंगा, क्योंकि गाइस मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आगे जाते ये बेस हमें थोड़ा बहुत छोटा पड़ सकता है, क्योंकि जगह बहुत ही ज्यादा कम है यहाँ पे और मुझे थोड़ा सा प्रॉपर एक जगह चाहिए जहाँ पे मैं अच्छे से मेरा बेस बना पाऊँ। सो ये गाइस मैंने टेम्पररी ही बेस बनाया था। सो एक बार मैं मैप ओपन कर देता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि मैं कौन सी साइड पे सोच रहा हूँ हमारा बेस बनाने को। सो गाइस, मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि कहीं पे ये साइड पे जो ये L10 सेक्टर है, ये सेक्टर के आसपास कहीं हम लोग जा सकते हैं। सो यहाँ पे कहीं पे गाइस मैं मैप में मार्क कर देता हूँ। सो एक काम करते हैं, सबसे पहले ये प्लेस करते हैं मार्क। चलो ठीक है गाइस, सो यहाँ से हम लोग निकलते हैं। और मैंने गाइस ऑफलाइन में थोड़ा बहुत ग्राइंडिंग भी किया था, बट उसके पहले मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि यहाँ से जाने के पहले क्या मैं यहाँ पे ये वाला जो मैप है, ये वाला जो सामने बेस है एनिमी का, वो एक बार गाइस क्लियर कर देते हैं, ताकि हमें थोड़ी बहुत चीज़ें भी उनसे मिल जाएगी। सो फटाफट से मैं चलता हूँ यहाँ पे और देखते हैं कितने एनिमी हैं और उनको यहाँ से मार देते हैं, और उसके बाद हम लोग चलते हैं वो नई वाली लोकेशन के लिए। बट एक मिनट गाइस, नई वाली लोकेशन पे जाने के पहले मुझे मेरी इन्वेंट्री भी थोड़ी सी भरनी पड़ेगी। तो यहाँ से एक मिनट, मैं ये स्पीयर निकाल देता हूँ और आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई भी है। चलो कोई भी यहाँ पे है नहीं। सो चलते हैं ऊपर की साइड पे और यहाँ पे एक बॉक्स होगा और ओके, ये वाटर मिला है। तो ये गाइस हमें फर्स्ट टाइम वाटर मिला है, और एक काम करते हैं, वाटर रखने के लिए कोई जगह है नहीं। एक काम करते, क्या ये मशरूम सूप मैं पी लूँ? टाइम तो काफ़ी ज़्यादा है उसको एक्सपायर होने का। मैं काम करता हूँ, ये जो फ्रूट पाई है वो मैं खा लेता हूँ। चलो बढ़िया, यहाँ पे वाटर आ जाएगा और शार्ड के लिए जगह हमारे पास है, और बनाना के लिए ओके जगह नहीं है हमारे पास। चलो कोई बात नहीं, यहाँ से खाने का नहीं लेते और चलते हैं यहाँ पे और देखते हैं यहाँ पे क्या चीज़ें हैं। शार्ट ले लेते हैं, स्टोन स्टेयर नहीं ले पाऊँगा, स्टोन फ्लोर भी नहीं ले पाऊँगा। यार मुझे ये सारी चीज़ें खाली करके आना था। एक काम करते हैं, ये कैरेट भी मैं खा लेता हूँ, और उसके साथ उसके अलावा क्या चीज़ें हम लोग कहाँ पे जगह कर सकते हैं? ये बैंडेज नहीं, बट बैंडेज ज़रूरी है, बैंडेज का मैं अभी कुछ नहीं कर रहा। सो ये रॉटन मीट है गाइस, तो मुझे नहीं पता ये रॉटन मीट क्या काम का आएगा। सो अभी फ़िलहाल मैं ड्रॉप कर देता हूँ और ये दोनों की दोनों चीज़ें मैं यहाँ से लेता हूँ। चलो बढ़िया, यहाँ पे हमने इन्वेंट्री में सारी की सारी चीज़ें सेट कर दी है, और यहाँ पे एक बार चेक कर देते हैं कोई है तो नहीं। नहीं नहीं, कोई दिखाई नहीं दे रहा। चलो ठीक है बढ़िया। सो यहाँ से चलते हैं गाइस हमारे फिर से हमारे आइलैंड पे, हमारे बेस पे, टेम्पररी बेस पे, और वहाँ पे ये जितनी भी चीज़ें होगी मैं थोड़ी बहुत चीज़ें मेरी इन्वेंट्री में ले लूँगा, ताकि मैं एक ही बार मुझे यहाँ पे वापस आना पड़े मेरा पूरा सामान लेने के लिए। और राइट गाइस, सो अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे हमारे घर पे, और देखते हैं हमारे पास कितना सामान पड़ा हुआ है। और एक मिनट, क्या यहाँ पे कोई चीज़ चल रही है? नहीं कोई चीज़। अच्छा चलो अभी ये स्टॉप कर देते हैं, तो उसके लिए ये चीज़ आ जाएगी यहाँ पे से। देखते हैं कितनी चीज़ें हम लोग ले पाते हैं। सो एक काम करते हैं, ये सारी चीज़ें एक साथ मैं यहाँ पे रखता हूँ, और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हम लोग लेके जा सकते हैं। मुझे गाइस वुड लेना पड़ेगा, वुड और ये जो फाइबर है वो दो चीज़ रखनी पड़ेगी। एक काम करते हैं, उसके अलावा बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो पहले मैं अंदर रख देता हूँ। सो आई थिंक गाइस इतनी चीज़ें सफिशिएंट रहेगी। यस, सो अभी चलते हैं यहाँ पे, यहाँ से कोई चीज़ लेने की ज़रूरत। वुड गेट, स्पाइक, वुड बैरियर, स्टोन विंडो, सारी की सारी चीज़ें अभी यहाँ पे ही रखते हैं, इसमें से मैं कोई भी चीज़ नहीं ले रहा। यहाँ पे देख लेते हैं कौन सी चीज़ अभी हमें लेनी चाहिए। सो यहाँ पे फर्स्ट टाइम ले हमें कौन सी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है हमें वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। थोड़े बहुत स्टोन ले लेते हैं, फाइबर हमारे पास इनफ पड़ा हुआ है, वुड भी हमारे पास इनफ पड़ा हुआ है,
और तो कोई चीज की आई डोंट थिंक रिक्वायरमेंट रहेगी। सो ठीक है, चलो ये आयरन इंगट ले लेते हैं। और एक मिनट मैं ये चेक कर देता हूँ कि मुझे ये मीडियम चेस्ट बनाने के लिए क्या चीज़। ओके, रोप लगेगी। यस, सो एक काम करते हैं, रोप यहाँ से ले लेते हैं। और कौन सी चीज़ रह रही है? चलो आई थिंक इतना इतना सफिशियंट है। एक हम लोग स्पेस खाली रख रहे हैं, अगर कोई चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ेगी कलेक्ट करने के लिए तो हम लोग के पास एक स्लॉट खाली होना चाहिए। तो ठीक है गाइस, फटाफट से चलते हैं लोकेशन पे और मैं वहां पे जाके आपको मिलता हूँ। ऑल राइट गाइस, सो मैं अभी यहाँ पे पहुंच चुका हूँ एग्जैक्ट ये वाली लोकेशन पे जहाँ पे मैंने मार्क किया था। तो गाइस मैं सोच रहा हूँ क्या मुझे मतलब ये जगह ठीक रहेगी, क्योंकि थोड़ा सा क्लिफ तो डेफिनेटली है यहाँ पे। तो क्या यहाँ पे मेरा बेस बनाना ठीक रहेगा कि सामने वाली साइड पे चले जाए? एक मिनट, मैं थोड़ा सा सामने वाली साइड भी गाइस मैं यहाँ पे एक्सप्लोर कर देता हूँ। ऑल राइट गाइस, सो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ एक लोकेशन पे। आप इमेजिन कर रहे होंगे कि अचानक से मैं यहाँ पे कौन से लोकेशन पे आ चुका हूँ। तो मैप में आपको मैं दिखा देता हूँ गाइस, मैं हूँ ये भी यहाँ पे, ये जो K9 सेक्टर है वहाँ पे, ये जो घना जंगल है वहाँ पे मैं पहुँच चुका हूँ। और गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोकेशन हमारे बेस के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी, क्योंकि गाइस यहाँ पे आप पेड़ देख रहे हो, मतलब एनवायरमेंट कितना ज़्यादा प्यारा है। और यहाँ पे गाइस मुझे बड़ा बेस बनाने के लिए जगह भी पसंद आई है। सो गाइस मैं यहाँ पे मेरा बेस बनाने वाला हूँ। सो एक काम करते हैं गाइस, यहाँ पे इस साइड पे हम लोग बेस बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाइस मुझे चाहिए रहेंगे वुडन फाउंडेशन। सो मैं बनाने वाला हूँ 2x2 वुडन फाउंडेशन। सो मैं 2x2 वुडन फाउंडेशन मुझे चाहिए रहेंगे दो, आई थिंक सफिशियंट रहेंगे। यस, और उसके बाद मुझे ये नॉर्मल वाले वुडन फाउंडेशन मैं बना देता हूँ। और एक मिनट एक मिनट एक मिनट, वो क्रिएट करने के पहले मुझे यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस मेरा खाली करना पड़ेगा, क्योंकि गाइस पूरा स्पेस भर चुका है। सो एक काम करते हैं, रोटन मिल, ये जो मीट है वो मैं ड्रॉप कर देता हूँ यहाँ से। एक मिनट भाई, ड्रॉप हो जाए, चलो बढ़िया। सो यहाँ पे मेरी दो वुडन फाउंडेशन आ चुकी है, राइट। और उसके बाद मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ चार सिंगल वाला फाउंडेशन। सो यहाँ पे से चार सिंगल फाउंडेशन क्रिएट कर देता हूँ। मैं उतनी ज़्यादा हाइट ना रख के अगर इतनी हाइट रखता हूँ तो आई डोंट थिंक कुछ प्रॉब्लम होनी चाहिए। एक मिनट, तो गाइस सबसे पहले मैं काम करता हूँ, यहाँ पे एक फाउंडेशन रख देता हूँ। ओके, और यहाँ पे एक छोटा सा स्टोरेज बना लेते हैं टेम्पररी बेसिस के लिए। सो स्टोरेज, मीडियम स्टोरेज नहीं चाहिए यार, मुझे एक छोटा सा स्टोरेज चाहिए टेम्पररी बेसिस के लिए। यहाँ पे वुड बॉक्स, ओके चलो यहाँ पे एक क्राफ्ट कर देते हैं। और यहाँ पे जितनी भी सारी चीज़ें हैं गाइज मैं यहाँ पे अभी ट्रांसफर कर देता हूँ। तो क्या थोड़ी बहुत इन्वेंट्री गाइज मेरी खाली हो जाएगी? सो थोड़ा सा आइडिया लगेगा हमें कि कौन सी चीज़ किस तरीके से जाएगी, क्योंकि अभी बहुत ही ज़्यादा इन्वेंट्री में चीज़ें हैं तो कन्फ्यूजन हो रही है। चलो ये खाने वाने का भी अभी फ़िलहाल रख देता हूँ। एक काम करता हूँ, ये फ़िश रखता हूँ और फ़िश थोड़ी सी खा लेते हैं गाइज 2x2 का। यहाँ पे एक दूसरा फाउंडेशन लेते हैं और ठीक उसी के ही बाजू में यहाँ पे लगा देते हैं। एक मिनट, ऑटो अटैच डी एक्टिवेटेड कर देते हैं और चलो नाइस। सो यहाँ पे गाइस हमारा फाउंडेशन लग चुका है। और यहाँ पे मुझे एक स्टेयर बनानी पड़ेगी, तो स्टेयर बना देते हैं, वुडन स्टेयर वन क्राफ्ट। ओके, एक क्राफ्ट हो जाएगी। और उसके बाद मुझे यस एक फाउंडेशन भी मुझे यहाँ पे सिंगल वाली बनानी पड़ेगी। सो एक फाउंडेशन भी यहाँ पे बना देते हैं। ओके, सो अभी के लिए मैं ये जो स्टेयर है यहाँ पे लगा देता हूँ। ओके, ये जो सिंगल वाला फाउंडेशन है मैं वो यहाँ पे 1 2 3 4, ओके आई थिंक इतना स्पेस इनफ रहेगा। यस गाइस, आई थिंक इतना स्पेस इनफ रहेगा। अभी मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक स्टेयर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। यहाँ से हम लोग एंटर होंगे, यहाँ से हम लोग ऊपर जा पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे गाइस, यहाँ पे मैं एक और स्टेयर बना के गाइस थोड़ा सा कुछ चीज़ें चेक करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे एक और स्टेयर बना लेते हैं। ओके, यहाँ पे एक और स्टेयर लगा दी। अभी मैं गाइस चेक करना चाहता हूँ क्या हम लोग यहाँ पे पिलर बना पाएंगे। बट इतना, एक मिनट, इतना ज़्यादा पिलर तो नहीं आएगा। ऑलराइट, सो मैं एक यहाँ पे वॉल लगा देता हूँ ताकि मैं देख
देखना चाहता हूँ गाइज कि मैं इसके ऊपर फ्लोर लगा पाऊंगा कि नहीं। सो यहाँ से फ्लोर ले लेते हैं और 7। ओके यस, यहाँ पे फ्लोर लग रहा है, तो यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे भी लग जाएगा, यहाँ पे भी लग जाएगा, और यहाँ पे तो ज़रूरत नहीं है। चलो सो ओके, आई थिंक इतना सफिशियंट रहेगा। ओके सो मैं ये लेवल पे गाइज मैं सारे के सारे फ्लोर में लगाने वाला हूँ। सो यहाँ पे एक फ्लोर, एक मिनट, यहाँ पे एक फ्लोर लगाना, एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ पे चलो एक सिंगल वाला फ्लोर यहाँ पे लग चुका है। सो एक काम करते हैं, ऐसा ही 2x2 के मैं दो फ्लोर बना देता हूँ, और ये सिंगल वाले भी मैं एक काम करता हूँ तीन तीन फ्लोर में और बना लेता हूँ। जैसे जैसे गाइस ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे हम लोग फ्लोर्स ऐड करेंगे। और यहाँ पे आई डोंट थिंक, यस यहाँ पे कुछ ना कुछ नीचे सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। सो ये डबल का यहाँ पे रख देते हैं, और सिंगल वाला फ्लोर ओके बन रहा है, तो यहाँ पे सिंगल वाला फ्लोर, चलो यहाँ पे सिंगल वाला फ्लोर आ चुका है। ओके और अभी मुझे नीचे यहाँ पे कुछ ना कुछ गाइस इनका सपोर्ट रखना पड़ेगा ताकि मैं उसको आगे भी कंस्ट्रक्ट कर पाऊँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास यस वुडन वॉल पड़ी हुई है, वुडन वॉल एक नहीं एक काम करते हैं, वुडन वॉल थोड़ी सी मैं चार और बना देता हूँ, और वुडन वॉल यहाँ पे रख देते हैं। ओके अभी चेंज टाइप करते हैं यहाँ से, और ये ओपन वॉल, यस यहाँ पे अगर मैं ओपन वॉल बना देता हूँ और सेम मैं यहाँ पे भी बना देता हूँ, तो अभी मुझे देखना है गाइस कि मैं यहाँ से क्या ये एक्सटेंड कर पाऊँगा कि नहीं। सो यहाँ से फाउंडेशन नहीं चाहिए, अभी एक काम करते हैं 2x2 फ्लोर ले लेते हैं यहाँ से, और यस यहाँ से हम लोग 2x2 फ्लोर भी लगा पाएंगे। तो चलो यहाँ पे 2x2 फ्लोर यहाँ पे लगा दिया हमने। ओके और गाइज ये वाला जो मैं एरिया बना रहा हूँ पूरा का पूरा, हमारा जो जितने भी टेबल्स हैं वो सारे के सारे मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ। राइट सो अभी नीचे का गाइज पोर्शन ऐसे का ऐसे रखते हैं, अभी मुझे थोड़ा सा आइडिया लगाना पड़ेगा कि हम लोग किस तरीके से वो सारी चीज़ कंप्लीट करेंगे। अभी मेरे पास वॉल तीन है, तो एक काम करते हैं, ये सिंगल वॉल है और मैं पाँच छः 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 वॉल में और बना देता हूँ, और यहाँ पे से गाइज वॉल प्लेस करना स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहली वॉल आएगी यहाँ पे, ओके और ये यहाँ पे उसका डोर लग जाएगा। सो यहाँ पे एक मिनट, वहाँ पे हम लोग बाद में करते हैं, और ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे एक विंडो वॉल आएगी, दूसरी ये जो सॉलिड वॉल है वो यहाँ पे रख देते हैं, उसके बाद एक एक वॉल यहाँ पे कर देते हैं, ये दो वॉल जो होगी वो विंडो वॉल रहेगी, उसके बाद एक वॉल यहाँ पे आ जाएगी, सेकेंड वॉल भी इधर आ जाएगी, और यहाँ पे दो विंडो वॉल आ जाएगी, और यहाँ पे एक सॉलिड वॉल आ जाएगी। यस परफेक्ट। ओके सो आई थिंक इतना शॉर्ट हो चुका है गाइस। सो यहाँ पे एक काम करता हूँ, ये जो वॉल है वो थोड़ी सी तीन चार वॉल जितनी थोड़ी सी बना के रखता हूँ, और जो विंडो वॉल है वो यहाँ पे रखना मैं स्टार्ट कर देता हूँ। सो एक मिनट, 7 नंबर पे विंडो चेंज टाइप टू विंडो फ्रेम, ओके परफेक्ट। यहाँ पे भी सेम आ जाएगा, यहाँ पे भी सेम आ जाएगा, और यहाँ पे एक यहाँ पे भी यस सेम आएगी, यहाँ पे भी सेम आएगी। ऑल राइट गाइस, तो यहाँ पे हमने थोड़ी बहुत और वॉल बना दी है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग गाइस थोड़ा सा रेलिंग का काम करने वाले हैं। बट यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे सेंटर वाली जो वॉल है, तो यहाँ पे एक काम करते हैं, ये सारी की सारी जगह पे यहाँ पे नॉर्मल वॉल आ जाएगी, ओके और उसके बाद यहाँ से गाइस मैं रखने वाला हूँ रेलिंग वॉल। सो यहाँ से चलते हैं, टाइप चेंज करते हैं, और यहाँ से एक रेलिंग आ जाएगी, दूसरी रेलिंग यहाँ पे आ जाएगी, थर्ड उसके बाद यहाँ पे और फाइनली यहाँ पे। ओके सो आई थिंक गाइस ये इतना सफिशियंट रहेगा, ये अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे मैं एक सोच रहा हूँ मैं वॉल ही लगा दूँ, यहाँ पे ओपन रखने की ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं एक नॉर्मल वाली वॉल ही प्लेस कर देता हूँ,
चलो ठीक है, बढ़िया। और यहाँ से और कोई चीज़, एक मिनट, मैं अगर यहाँ पे गाइस मैं वॉल करूँगा तो ये वाला पोशन थोड़ा सा वियर्ड लगेगा। एक मिनट ट्राई करते हैं यहाँ पे वॉल। यस, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, बट आई थिंक ये क्लोज कर देना चाहिए यहाँ से। वो देखते हैं गाइस, लास्ट में हम लोग देखते हैं कि वो ये इसको किस तरीके से मैनेज करना है। अभी यहाँ पे मुझे दो वॉल बनानी है, राइट। सो यहाँ पे पहले वुडन फ्रेम आएगी। ऑल राइट, सो यहाँ पे गाइज मैं एक वुडन जो डोर फ्रेम है वो एक डोर फ्रेम लगा देता हूँ, और उसी के साथ साथ एक सिंगल डोर, चलो एक सिंगल डोर क्राफ्ट कर देता हूँ। यहाँ पे सिंगल डोर आ जाएगा। उसके बाद गाइज यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, वुडन वॉल यहाँ पे रख देता हूँ और सेकेंड वुडन वॉल यहाँ पे आ जाएगी। ओके, सो आई थिंक ये अभी बेटर लग रहा है। यस, एक मिनट में ये वाला एक वुडन वॉल डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। और मैं एक और चीज़ चेक करना चाहता हूँ यहाँ पे, अगर मैं वुडन वॉल ना करके मैं ट्राई वॉल एक बार चेक करते हैं। सो यस, आई थिंक यस ट्राई वॉल बेटर रहेगी। सो एक ट्राई वॉल यहाँ पे रख देते हैं, और चलो आई थिंक यस ये अभी बेटर लग रहा है। सो यहाँ से हम लोग जैसे ही ऊपर जाएंगे उसके बाद यहाँ पे रेलिंग मुझे डालनी है। सो चेंज टाइप करते हैं यहाँ से, और रेलिंग सबसे पहली, एक मिनट, यहाँ पे इंस्टॉल, यस यहाँ पे इंस्टॉल कर देंगे। दूसरी रेलिंग हमारी यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगी, और थर्ड वाली यहाँ पे इंस्टॉल कर देंगे। ओके, सो अभी गाइज हमारा घर, एक मिनट में आपको बाहर से भी दिखा देता हूँ कि इतना घर कैसा लग रहा है। सो कुछ गाइज इस तरीके से हमारा अभी घर लग रहा है। धीरे धीरे गाइज हम लोग इसको और भी इम्प्रूव करते जाएंगे जैसे जैसे हमारी चीजें खुलेगी, बट ये बेसिक वाला कुछ इस तरीके से मैंने प्लान किया है। और यहाँ पे चलो एक डोर भी लगा देते हैं। चलो बढ़िया, अभी ओपन कर देते हैं। यहाँ पे गाइज मुझे सबसे पहले एक रूफ बनाना पड़ेगा। सो रूफ के लिए देखते हैं क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। और एक मिनट, रूफ के साथ साथ मुझे यहाँ पे एक दो तीन चार पांच, पांच विंडो बनानी पड़ेगी। यस, पांच विंडो बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे ये वुड विंडो में चले जाता हूँ मैं, और पांच वुडन विंडो मैं यहाँ पे बनाने के लिए रख देता हूँ। रूफ एक बार देख लेता हूँ अभी गाइस, रूफ किस तरीके से बना पाएंगे। सो ये वुड रूफ यहाँ पे है, एक काम करते हैं यहाँ पे मैं छे छे बनाने के लिए रख देता हूँ वुड रूफ। और यहाँ पे विंडो भी हमारी बन चुकी है। सो एक दो तीन चार, और लास्ट में यहाँ पे आ जाएगी पांच। ओके गाइस, ओके ओके, सो काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। और एक मिनट मैं ये विंडो ओपन कर देता हूँ, क्योंकि गाइस मतलब उन्होंने विंडो दी है तो उसका यूज करें वो ही काफी अच्छी, तो ही उसका मतलब भी बनता है। सो यहाँ पे मैंने सारी विंडोज रख दी। यहाँ पे मेरे सारे के सारे मशीन्स, क्राफ्टिंग टेबल्स है वो यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे जो जेनरिक चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें मैं यहाँ पे रखूंगा। ओके, सो रूफ भी हमारे बन चुके हैं। अभी एक मिनट प्लेस करके देखता हूँ, चेंज टाइप, नहीं इस टाइप का तो नहीं बनाना, कॉर्नर। ओके, सो ये कुछ इस तरीके से लग रहा है, तो एक यहाँ पे लगा देते हैं, दूसरा यहाँ पे लगा देते हैं, थर्ड सेम तरीके से, एक मिनट ये ओके, एक मिनट एक मिनट, ये रोटेट, ओके चलो थर्ड, और यहाँ पे लग जाएगा फोर्थ। ओके, सो कुछ इस तरीके से इतनी चीजें लग चुकी है। अभी अभी यहाँ पे मुझे कंप्लीट करना पड़ेगा। ओके, सो ये यहाँ पे लग जाएगा, उसके बाद यहाँ पे, और दो लगेंगे यहाँ पे। ओके परफेक्ट गाइस, सो अभी गाइस पूरा हमारा ये बेस अभी के लिए रेडी हो चुका है। सो एक मिनट मैं ये दरवाजा कर देता हूँ बंद। सो गाइस कुछ इस तरीके से लग रहा है अभी फिलहाल हमारा बेस, जो कि गाइस मेरे ख्याल से तो काफी अच्छा लग रहा है। ओके, सो आई थिंक अभी के लिए गाइस इतनी चीजें सफिशियंट रहेगी। उसके अलावा आई डोंट थिंक कोई भी चीज की जरूरत अभी फिलहाल मुझे पड़ेगी। और राइट गाइस, तो सबसे पहले हमारा काम है यहाँ पे हमारा जो क्राफ्टिंग टेबल है वो एक क्राफ्ट कर देते हैं, जिससे हम जितने भी और हमारे और भी टेबल्स जो अनलॉक हो चुके हैं
वो भी हम लोग इससे बना पाएंगे। तो सबसे पहले क्राफ्टिंग टेबल क्राफ्ट करते हैं। ओके, सो सबसे पहले क्राफ्टिंग टेबल, एक मिनट, क्या मैं यहाँ से ही रखना स्टार्ट कर दूँ? एक काम करते हैं, मैं सबसे पहले क्राफ्टिंग टेबल यहाँ से रखता हूँ। ऑल राइट, सो यहाँ पे हमने हमारा क्राफ्टिंग टेबल बना दिया है। सो अभी मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ें रख देता हूँ, जो भी चीज़ें, ये सारी चीज़ें बनाने के लिए जो भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ये सारी की सारी मैं यहाँ पे रखते जा रहा हूँ। तो सबसे पहले एक स्टोन फर्नेस बनाते हैं। केमिस्ट बेंच लगेगी उसके लिए। चलो, यहाँ पे वुड आ गया और आयरन इंगड़ मैं लेके आया हूँ। तो आयरन इंगड़ यहाँ पे मैंने रखे हुए हैं शायद, यस। सो आयरन इंगड़ भी यहाँ से मैं ले लेता हूँ। ओके, सो आयरन इंगड़ भी यहाँ पे रख देते हैं। सो केमिस्ट बेंच एक बना देता हूँ मैं। उसके बाद यहाँ पे मैन्युअल माइनर हम लोग बाद में बनाते हैं। ये वेपन बेंच बनानी पड़ेगी, जिसके लिए 5 रोप चाहिए रहेगी। ओके, सो केमिस्ट बेंच भी मैंने यहाँ पे ले ली। एक मिनट, यहाँ पे रख देता हूँ मैं। और ये मेडिकल टेबल भी बन चुका है हमारा, केमिस्ट बेंच बन चुकी है, मेडिकल टेबल बन चुका है। ग्राइंडिंग टेबल, एक ग्राइंडिंग टेबल बना देता हूँ। एक वेपन बेंच के लिए मुझे रोप चाहिए रहेगी। ओके, सो मैं रोप लेके आता हूँ। कि ग्राइंडिंग टेबल भी यहाँ पे बन चुका है। सो एक मिनट, कहाँ चला गया ग्राइंडिंग? ओके, ये रहा। उसके बाद यहाँ पे वेपन बेंच, सो वेपन बेंच के लिए रोप मैं लेके आया हूँ। यहाँ पे रख देते हैं और एक बन जाएंगी वेपन बेंच। और मेटल प्रोसेसर आई थिंक हमने पुराने वाले में भी नहीं बनाया था, अभी भी बाकी है वो बनाना। सो वो गाइस देखते हैं कि कैसे, मतलब वो क्या काम में आएगा। बट सबसे पहले चलो, ये स्टोन फर्नेस भी बन चुका है, यहाँ पे रख देते हैं। और मेडिकल बेंच भी, सॉरी वेपन बेंच भी यहाँ पे रख देता हूँ। सो आई थिंक यहाँ पे जितने भी टेबल थे वो हमने सारे के सारे बना दिए हैं। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पे मेडिकल टेबल रख देता हूँ। सो एक मिनट, मेडिकल टेबल यहाँ पे इसके जस्ट बाजू में लग जाएगा। ओके, परफेक्ट। सो मेडिकल टेबल यहाँ पे लग चुका है। उसके बाद यहाँ पे मैं रख देता हूँ ग्राइंडिंग टेबल, इसके जस्ट बाजू में रख देंगे। ओके, परफेक्ट। उसके बाजू में यहाँ पे केमिस्ट बेंच आ जाएगी। ओके, और उसके बाजू में लास्ट वाली हमारी वेपन बेंच, तो वो लगा देते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से। ओके, सो गाइज यहाँ पे सारी की सारी बेंच हमारी लग चुकी है। और उसके बाद फर्नेंस का मैं ऐसा सोच रहा हूँ गाइज, फर्नेंस एक्चुअली क्या नीचे लगा दे यहाँ पे? यस, आई थिंक गाइज ये फर्नेंस जो है वो नीचे यहाँ पे ही लगा देते हैं। ओके, सो यहाँ पे अभी गाइस सबसे पहले ऊपर चलते हैं। और मुझे यहाँ पे सबसे पहले बनानी है मेरा स्टोरेज बॉक्स। ओके गाइस, सो अभी मैं हमारे पुराने बेस पे जाके आ चुका हूँ, जहाँ पे से मैं काफी सारी चीजें वहां से लेके आ चुका हूँ। बट वहां पे अभी भी मुझे एक बार जाना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी बहुत चीजें अभी भी उधर बाकी है। सो यहाँ पे सबसे पहले ये सारी चीजें मैं रख देता हूँ। रेजिन मेरे पास पड़ा हुआ है, चलो ठीक है। तो ऊपर एक मैं गाइस एक मीडियम जो चेस्ट है वो मैं यहाँ पे एक बिल्ड कर देता हूँ। और इसके लिए क्राफ्टिंग टेबल से मुझे कुछ सामान लेना पड़ेगा, तो मैं यहाँ से शिफ्ट करता हूँ और यहाँ पे एक मिनट, यहाँ से बाहर निकलता हूँ। और मीडियम स्टोरेज चेस्ट है वो एक, गाइस थोड़े से वुड कम पड़ रहे हैं तो मैं थोड़े से वुड कट करके आता हूँ। ओके, सो अभी मैं वुड कट करके आ चुका हूँ। एक चेस्ट यहाँ से मैं क्राफ्ट कर देता हूँ। और वो मैं कहाँ पे, क्या ये साइड पे, मैं यहाँ पे आई थिंक ये सेंटर में रखूँ वो बेटर रहेगा। एक मिनट देख लेते हैं पहले। चलो बन चुकी है और वो मैं यहाँ पे रख देता हूँ। सो चेस्ट आई थिंक गाइस ये साइड पे मैं चेस्ट रख देता हूँ। यस, ये एक बेटर रहेगा। ओके, परफेक्ट। सो यहाँ पे हमारी एक चेस्ट आ चुकी है। जो भी सारी चीज़ें हैं फाइनल प्रोडक्ट्स, वो सारी मैं यहाँ पे रख देता हूँ। और यहाँ पे मैं एक वुड बॉक्स बना देता हूँ। तो गाइस उसके लिए जो भी, मतलब ये फर्नेंस के रिलेटेड जितनी भी सारी चीज़ें होगी, मैं वो सारी की सारी मैं इधर रखूँगा। सो चलो, एक ये बॉक्स हो चुका है क्राफ्ट, तो यहाँ पे मैं प्लेस कर देता हूँ। मैं यहाँ पे, यस, ये साइड पे मैं रख देता हूँ। ओके, परफेक्ट। सो यहाँ पे ये सॉल्ट और मुझे पता नहीं, बट ये सारे और इसके जो भी इंगर्ड्स है वो सारे के सारे मैं पहले एक जगह पे रख देता हूँ।
और राइट गाइस, सो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ हमारे पुराने वाले बेस से। सारी की सारी चीजें मैंने पूरा का पूरा बेस मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया है पुराना वाला। तो स्ट्रक्चरल चीजें जितनी भी है वो मैं सारी की सारी मैं यहाँ पे रखूंगा। अभी मैं ये वाला जो स्टोरेज बॉक्स है वो मैं अभी इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा, इसको यूज में ही मैं ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं, शॉर्ट कर देते हैं यहाँ पे कोई चीज। चलो आयरन इंगट रख देते हैं, लीड इंगट रख देते हैं, ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट भी आ जाएगा। उसके अलावा चलो स्टोन यहाँ पे आ जाएगा, कार्बन पाउडर, चलो कार्बन पाउडर भी मैं अभी फिलहाल इधर ही रख देता हूँ। उसके अलावा तो सारी की सारी चीजें ऊपर जाएगी। सो यहाँ पे चलते हैं और ये स्टोरेज में ये जो फाइनल प्रोडक्ट्स है वो मैं यहाँ पे रख देता हूँ। ओके आई थिंक यस, अभी सारी चीज सॉर्ट हो चुकी है। और ये जो ये जो पुराना वाला, ये पुराने वाले जो भी गाइस पिकैक्स वगैरह है, सो वो मैं अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे रख देता हूँ। चलो डन, यहाँ पे से शॉर्ट करते हैं। ओके गाइस परफेक्ट। सो अभी गाइस हमारे, और एक मिनट, यहाँ पे एक स्टेयर मुझे लगाना पड़ेगा। थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर जाने में प्रॉब्लम हो रही है। ये स्टोन स्टेयर है, स्टोन स्टेयर नहीं चाहिए मुझे, मुझे नॉर्मल वाला स्टेयर बनाना है। सो नॉर्मल वाले के लिए मुझे फाइबर लेना पड़ेगा जो कि मैं ऊपर रख के आया हूँ। सो थोड़ा सा फाइबर गाइस हमारे पास भी रखेंगे। चलो बढ़िया, अभी एक बना देता हूँ यहाँ से, और जब तक बनेगा मैं नीचे चलता हूँ और यहाँ पे गाइस मैं ये इंस्टॉल कर देता हूँ। क्योंकि यहाँ पे गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ से प्रॉब्लम हो रही है ऊपर जाने के लिए। ये बन चुका है और वो एक मिनट यहाँ पे रख देंगे। ओके गाइस परफेक्ट, अभी हर एक चीज अच्छी तरीके से हो चुकी है, कोई भी चीज की अभी हमें कमी नहीं है। सो गाइस प्लीज कमेंट में आप डेफिनेटली मुझे बताना कि ये आपको नया बेस मेरा कैसा लग रहा है। गाइस आप फीडबैक दोगे तो मैं इम्प्रूव भी करूंगा सारी चीजें। सो फीडबैक गाइस आपका देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यहाँ पे मैं गाइस थोड़ा सा खाना पीना मैं कर देता हूँ। सो चलो यहाँ पे थोड़ा सा खाना खा लिया। ऑल राइट, और एक मिनट, मेरे पास वुड सारे इधर ही है। चलो वुड सारे इधर ही है, तो मैं गाइस थोड़े से मैं ट्रीज भी कट करके आता हूँ, क्योंकि थोड़े बहुत गाइस हमें ट्रीज एक्स्ट्रा चाहिए रहेंगे। सो मैं वो सारी चीजें कलेक्ट करके आपको मिलता हूँ। और एक मिनट, उसके पहले मुझे यहाँ पे मेरा एक स्लीपिंग बैग बनाना पड़ेगा। सो यहाँ से एक स्लीपिंग बैग हम लोग बनाते हैं। और ये मेरा स्लीपिंग बैग गाइस मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे रख देता हूँ। चलो आई थिंक यस, यहाँ पे रखना चाहिए, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है। आई थिंक यहाँ पे लगा देते हैं अभी फिलहाल के लिए। चलो बढ़िया डन गाइस, सो हमारा स्लीपिंग बैग भी यहाँ पे लग चुका है। ऑलराइट गाइस, सो सबसे पहले मैं यहाँ पे काम करता हूँ, ये जितनी भी चीज़ें हैं, आयरन और कॉपर और स्टोन, और ये आयरन लेड कॉपर। चलो इतनी सारी चीज़ें मैं फर्नेस में बनाने रख देता हूँ, क्योंकि गाइस फर्नेंस में ये सारी की सारी चीजें मतलब कंटिन्यूएशन में बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक्टिवेट कर देता हूँ, उसके बाद ये तीनों की तीनों चीजें मैं बनाने के लिए यहाँ पे रख देता हूँ। ओके 61 हो रही है ना, चलो ठीक है 61 क्राफ्ट कर देते हैं। ऑलराइट गाइस, ठीक है, तो गाइस आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो मैं जस्ट ये बिल्डिंग के लिए ही मैंने स्पेशली बनाया था। तो गाइस कमेंट में मुझे जरूर से बताना कि ये आपको कैसा, ये घर आपको कैसा लगा है। सो अगर आपको गाइस पसंद आया है तो ये वीडियो को गाइस एक लाइक कर देना, और कमेंट में आपके थॉट शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं गाइस ऐसे ही इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ बहुत ही जल्द। थैंक यू फॉर वॉचिंग।